भूखे खावत लाज ना आवे। भूखे खावत लाज ना खावत लाज ना त्यों हर जन हर गुण
जो कमी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे जो माता बाल बटावे जो माता बाल बटावे तो ज्ञानी जब हम एक को एक कर जाने आ तब लोके काहे दुख माने आ
हम अब दे अपनी पट खोई लाज नया हम अब दे अपनी पत खोई हमरे परम भूलो मत कोई लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज क्यों क्यों अलकाइए लाज ना आवे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरग मुख उज्जल लाज न आवे मन माने मन माने लोग ना पति जे लाज न आवे मन माने लोग ना पति जे ना पति जे लाज न आवे नापति जे तो क्या कीजे लाज न आवे मेरी भुख मेरे नाल है रात दे सब्जेक्ट नू नाल जोड़ना चाहना रात वाला गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का बचन सी कहां भूलियो रे झूठे लोभ लाग ते उस लई कुछ हदायतां सन उन्हां हदायतां विच एक बड़ी स्पष्ट जी गल सी के लोभी का विसाहो ना कीजै लोभ बुरा है जिस हिरदे विच लोभ है उस मनुख दा अपना जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि लोभ बस चोरी करदा है लोभ बस पराया हक मारदा है लोभ बस कोई जुल्म करदा है अन्याय करदा है जदों उसकी सजा उनके सामने आउंदी है तां ओ फिर पछतावे तो इलावा कुछ पल्ले नहीं पैंदा इसलिए लोभ बुरा है मैं संक्षेप विच अगे चलना चाहना फिर कहन लगे जिस कोल लोभ है वो अपना ही जीवन बर्बाद नहीं करता तेरे लिए भी खतरा है क्योंकि तेरा वफादार नहीं बनता वफादारी उत्थे खत्म हो जाती रात वाले लफ्ज सन के नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया हे लोभा तेरा स्वरूप ए है ते एग्जाम्पल वजो मैं अर्ज की सी साडे इतिहास दे पन्ने ते गंगू ब्राह्मण दा नाम है जड़ा रसोईया हुंदा होया वफादारी ना निभा सकिया ते साहिबजादियां दी शहीदी विच ते उस दे कारण विच उस दा नाम ऐड है बेवफाई एक लोभ ने कर दी
चलो मैं हूँ अगे वजना चाहना। पिछले दिनी एक प्रकरण सिद्धांत सब्जेक्ट ये भी आया सी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी लोड़ है। दुश्मन ने पर मारने नहीं। मैं उस सब्जेक्ट नु भी अज नाल जोड़ना चाहना। उस दिन ऐसी कि ये मारने नहीं, दुश्मन नु मारना कोई चंगी गल नहीं। जिसका दुश्मन कोई नहीं वो मनुख भी बड़ा आलसी ते चित अचेत हो जाता है। दुश्मन की चेतनता बनी रहती है, मारना नहीं। बल्कि उस दिन ख्याल सी कि दुश्मन नु वस विच करना है, कैद करना है। तो फौज ओहो ही महान मनी जाती है जिहड़ी मैदाने जंग विच दुश्मन दियां फौजां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा बन लवे, मारे नहीं। जिहड़ा मर गया उहनूं तो उहदे घर दे शहीद आखण लग पैणगे। नहीं, वस विच करना। ते हुण मसला आ गया, जे दुश्मन नूं मारना नहीं वस करना है, ते वस विच उह गुलाम हो जांदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਜਦੋਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ। लोभ निरा बुरा नहीं। लोभ उदों तक बुरा है जदों तक वस विच नहीं, शक्तिवान है। ते जिस दिन लोभ वस विच हो गया उस दिन बुरा नहीं। क्यों? क्योंकि वस विच होया होया लोभ फिर जिवें नौकर बनता है ना, इं फिर भुख बन जाता है। लो भुख भी एक लोभ का वो रूप है जिहड़ी जिहड़ा भुख विचों जन्म लैंदा है। भुख वस विच हुंदी है, सीमित हुंदी है। जदों भुख असीमित हो जाए उदों फिर लोभ बन जाता है। आरंभ भुख है, हुण इत्थे रुकना चाहना। भुख तां सानू सारिआं नूं ही लगदी है। लोभ नूं गुरु आख दित्ता है, गुरु ने आख दित्ता छड्ड दे। जे भला साडी भुख मर जाए, असीं अनेकां दवाइयां करने आ, डॉक्टर कोल जाने आ, जी भुख नहीं लगदी है ना। हालांकि भुख नहीं कदी लोभ बनना है। जदों कुछ होर दा मसला आ जाए, सहस खटे लख कोट दा आवे, उत्थे लफज़ में तृप्त ना आवे, राज नहीं हुंदा। जदों राज ना होवे उन्हूं फिर लोभ आखदे ने। पर भुख दी सीमा है, वो नौकर है। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ माता बाल पटावे जैसी
भूखे प्रीत अनाज जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल से पीताज त्रिखावंत जल से पीताज जैसी मूड कुटुंब परायण ऐसी नाम में प्रीत नारायण जैसे परपुर खारत नारी लोभी नर एथे लफज लोभ आ गया लोभी नर तन का हितकारी कमी पुरख कामनी प्यारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी ये भुख है हर जीव नू लगती है। एक ख्याल करो भुख दे सहारे कुदरत चल रही है निजाम चल रहा है आलने बना के दरख्तों ते लैन रहन वाले पंछी भी सवेरे उड़ के अपना आलना ते अपने बोट छोटे छोटे छाड़ के ऐसे चोगे दी चुगन दी दौड़ विच तुर पैंदे ने घरों जिंदा पता ही नहीं हुंदा कित्थों मिलनी है क्यों क्योंकि उन्होंने पता है सानू भी भुख लगनी है ते इन्हां बच्चियां दे मुंह विच भी दो दो दाने पाउने ने लिया के भुख है ना जे भला भुख ही खत्म हो जाए भुख ही खत्म हो जाए संसार दी सारी मूवमेंट खत्म ना हो जाएगी। गुरु ने बाणी विच क्यों आख्या है कहिंदे ने मैं देखदा की हां कि हर रोज सवेरे उठ के कोई जॉब करने वाला जॉब करन वास्ते नौकरी करने वास्ते किसी का गुलाम होके घरों क्यों दौड़दा है क्योंकि उन्हें रोटी कमानी है रोटी कमानी कोई मनुख जे दुकान खोलता टाइम ते सारा दिन बैठता है उत्थे इंतजार विच उड़ीक विच कदों कोई कस्टमर कदों कोई गाहक आवे तो उनका ख्याल एको ही होंदा है कि मैं रोटी कमानी पेट की भुख उसनों मजबूर करनी बल्कि गुरु कहिंदे ने मैं देखदा कि आ पराया भार अपने सिर ते चुक के लोग तुरदे ने जिन्हों नूं असीं कुली आखने आ स्टेशनां ते वो समान उन्हां दा अपना नहीं हुंदा भावें कीमती होवे पर वो कीमती समान नालों उन्हां दी अपनी वैल्यू कीमत नहीं जुड़ जांदी पर क्यों चुक के तुरदे ने पराया भार कि कुछ मजदूरी मिल जाएगी इस नाल शाम नूं मेरी ते मेरे परिवार दी भुख मिटेगी रोटी चलेगी ख्याल करियो गुरबाणी किन्नी गहराई विच गई है कहिंदे ने मैं देखदा भुख दी ओ हालत है सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहिंदे ने तीजे मुई ग्रह भुख तिखा दोए पौंकियां जरा तीजा पैर होया ते ग्रह रोटी ने भुख दा रूप ते पानी ने तिख दा तृष्णा दा
प्यास का रूप धारण करके आवाज दिती, आ भी रोटी लिया। संसार की भुख खत्म नहीं हो सकती, कोशिश कर। भुख ने अपने टाइम ते आप डंका बजाना है ते कहना है मैं भुख लगी है। भी सतगुरु बाणी विच कहंदे ने, कहंदे ने तीजे मोई गिरा भुख तिखा दोए पौंकियां, भाव आवाज दिती ते आवाज की सी, कहंदे आवाज ए सी कि खादा होए सुआ पी खाने स्यों दोस्ती। गुरबाणी है कहंदे ने आवाज दिती जिहड़ा तो सवेरे खादा सी ओह तां सुआ हो गया, विष्ट हो गया। हुण नवां कुछ लिया, मेरा मित्र तो नवां खाना है। किसी ने इसे लिए आख्या मौतों भुख बुरी, मौत तो जीवन में एक वार आती है तो झमेले खत्म कर देती है, दौड़ खत्म कर देती है, लोड़ा खत्म कर देती है। पर भुख उस मौत तो भी बुरी है क्योंकि सवेरे आती है, सवेरे मिटाई दी है, शाम को फिर आ जाती है, शाम को फिर मिटाई दी है, सवेरे फिर आ जाती है। इसलिए एक ख्याल करें, भुख ने कभी जीवन विच साथ नहीं छड़िया। जिन्नी देर तू जीना है सवेरे शाम भुख चाहिदी है। जे भुख ना होएगी संसार का कारोबार नहीं चलेगा। आ बाजार खुले ने, मार्केटां चलदियां ने, सब किसी की भुख दे नाल संबंधित ने। ते ओ भुख जीव हर एक जीव कोल है। आ छोटियां छोटियां कीड़ियां ने वह भी लोग पुराने समय के कहते होंगे सन, कीड़ी 6 महीने का अपना अनाज संभाल के अपनी खुड में रख दिए, जे काल पै जाए तो मैं भुखी ना मर जावा। भुख वो चीज़ है, इसलिए लोभ मारना है भुख नहीं मारनी। गुरु कहते हैं जिस दिन भुख मर गई उस दिन तक किरत भी छड़ देवेगा। तो गुरु सब तो पहला किरत आखद, किरत कर, नाम जपते वंड छक बाद विच है, पहला किरत कर। तो किरत ता ही करेगा जे तेनू कोई लोड़ है, तो बाकी लोड़ा तो तेरे विचार मुताबक किसी ऐश लई हो सकदियां ने। रोटी तो ऐश लई नहीं, वो तो लोड़ है, जरूरत। लो इत्थे रुकना चाहना। गुरबाणी कह रही है, कहती है लोभ मिटा दे भुख रख लै। भुख बहुत चंगी है, तैनू सवेरे उठाउंदी है, चल कम ते। भुख बहुत चंगी है जिहड़े तैनू अपने परिवार नाल जोड़दी है, मिल बैठ के खाण ते। भुख बहुत चंगी है जिसका नाम तू गुरु का लंगर रखे है। आखिर ते भुख का ही मसला है ना। हुण इत्थे रुकना चाहना। सतगुरु बाणी अंदर जिथे पहुँचाना चाहते ने मैं उत्थे रुकना चाहना। कहिंदे ने भुख दुनिया दी सांझी क्रिया है, सांझी क्रिया है। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो। मच्छी पानी विच रहिंदी है, एक जीव है उंदी भी भुख है, वो पानी है। बच्चा जन्म लैंदा है ते जन्म लैंदे उन्नू कोई दुध पीना सिखाना पैंदा है। सब तो पहली उंदी रोण दी आवाज, उंदी एक बोली है जिस बोली विच कोई भाषा नहीं पर बोल ने, उंदा
ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਭੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਕਤ ਵਾਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮੂਹੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਸ ਖੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਬਦਲੋ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮੰਗਤ ਮਾਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ
मंगना किसी की मजबूरी है ना, वो मजबूरी की है एक भुख। मंगते संसार अंदर है ने, इन्हां अमीर देशों में भी है ने, तरीका मंगन का वखरा है, लेकिन मंगते मौजूद ने। पर एक ख्याल करियो, मंगते नूं कोई मान तो नहीं ना दिंदा, सन्मान तो नहीं दिंदा, तकारा ही दिंदा। गुरु ने बाणी में आख दिता है, लोग धिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया, सह कियां बल्लां गल्लां दर कियां बातां, तै तां कहन कहाया। मंगते नूं मान नहीं मिलता, फिर मंगता नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। पर केड़ी अजीब गल है, गुरु कहिंदे ने जिस दिन तू अपने भुख दे नाल अपना भोजन बदल लेंगा ना, जे ओ भोजन वास्ते तेनू मंगता बनना पवे तद भी बनी। लो इत्थे रुकना चाहना, गुरबाणी कित्थों तक लै के जांदी है। सतगुरु कहिंदे ने कर कासा कर कासा दर्शन की भूख। ओ मेरे रब, जिस दिन मेरी भूख बदली, अगले मेरी पगे मेरी पदार्थां दी भूख सी, रोटी कपड़े दी भूख सी। जे उस भूख वास्ते मैं मजबूरन मंगता बनदा सां, लोग तिकार कहंदे सन, पर अज मैनू तेरे दीदार दी भूख लगी है। ये भी भुख, भुख ही बदली, भुख दे नाल भोजन बदले। हुण कहिंदे ने मैनूं तेरे दर्शन की भुख लगी है। मैं पिछले दिनों में एक गल कही सी कि मनुख नूं लोड़ पवे तो अपने मित्र कोलों कोई मदद लैन जावे, बहुत नेड़े दा मित्र, फिर भी कहिंदा है भी मैं उदों जावां जदों कोई होर ना बैठा होवे, किसी नूं पता ना लगे भी मैंने किसी मैं मंगता बन के आया, मैनूं लोड़ है। तो जे जांदियां नूं उस मित्र कोल दो वीर होर बैठे होण तो वह पुछे भी भलिया क्यों आया, दस। कहिंदा कोई फिर आ जावांगा, दसना नहीं चाहता। पर मैं क्या केड़ी अजीब गल है, जदों गुरु कोलों असीं मंगने आं उदों लाउड स्पीकर ला लैंदे आं, थां के रह जाते लोगों ने भी पता लगे भी अज अरदास हो रही है, फलानी अरदास हो रही, फलानी लोड़ है इनू, फलानी मंग कर रहे हैं। आप जो हूँ अरदास होनी तुम वेखो कि वीडी लिस्ट इन्होंने साड़ी थोड़ी देनी, सारा मंगता ही है ना। पर ये मंगते बनन लगे अज लाज नहीं, लोग गल एक भुखे खाओ तो लाज ना हो, हर चीज़ दे मंगन विच लाज है, शर्म है, पर गुरु कोलों मंगन लग्या शर्म कोई नहीं, लाज कोई नहीं। ते फिर सिर्फ फर्क इन्ना है कि गुरु कोलों मंगना की है वह भोजन भी स्पष्ट करना है। सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने घर का सा घर का सा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो, मैं दर मांगो नीता नीत। हुण तां तेरा दर्शन मेरा भोजन हो गया, मैं इहदे तों मिंट भर नहीं विछड़। यह भुख इन्नी प्रबल हो गई है कि हुण मैं एक सकिंट इस भुख तो बिना बिता, इस भोजन तो बिना बिता नहीं सकता। सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने, बल्कि बाबा कबीर जी ने एक थां ते एग्जाम्पल देंदे आ ये लफज वरत दिते, कहन लगे जब लग तागा भाओ बे, जुलाया कदी उनका करतब देखो, उनका एक सिटल हुंदा है, उन्हों सिटल कहिंदे ने, उनके विच नलकी हुंदी है ताके दी, जदों वो अपनी खड्डी चलाउंदा है ना उन्हें वो सिटल विच चलाउणा हुंदा है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਡੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਲਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਟਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਲਾਇਤ ਦੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਭੋਜਨ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ जब लगता गा बाहों देही, जब लगता गा बाहों बेही, तब लग बिसरे राम सनेही, ओछी मत मेरी जात जुला। मैं तो इस गलों परेशान हूं, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਵੋ ਰਹਿਣੀ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਸਾਹ ਸਾਸ ਰਚਨਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਲਓ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਣ ਦਿਓ ਹੈ ਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਨੀ, ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਆਖਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਿਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਖਾਵੇ ਤੇਲਾ ਜਿਨਾਇਆ, ਖਾਓ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਲੋਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਅਨਿਆਇ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਨਿਰੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਹੇਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਦਲ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਹ ਨਾ ਮੰਗਾਂ। ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮੰਗ ਪਵਾਂ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।